हम लोगों ने बेटा एक पोएम पहले की है, ग्रामर के कुछ टॉपिक्स भी किए हैं एक दो, और थोड़े से मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन की थी सैटरडे को लाख के संबंधित, लाख की चूड़ियां। मैंने कहा था हम पाठ पढ़ेंगे, थोड़ा सा कुछ बताया भी था और एक छोटा सा काम दिया था कि आप ढूंढ के रखेंगे लाख क्या है और किन चीजों में प्रयोग की जाती है। प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ जी अंजल मैम, लाख एक ऐसा वो पदार्थ होता है जो चूड़ियां मारने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये इसको पिघला के बनाया, इसको पिघला के चूड़ियां बनाई जाती है, और ये राजस्थान से आया है, और ये कीड़े कीड़े के ये कीड़े के किसी चीज से लाया जाता है। ओके गुड, वेरी गुड एंजल, वेरी गुड। लाख जो है पेड़ों पर जो कीड़े होते हैं, लाख जो बनाते हैं कीड़े, बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनकी सिक्रीशन से बनता है, उनकी जो लार होती है अपनी सुरक्षा के लिए वो एक कवच बनाते हैं अपनी सिक्रीशन से, लार से, जिसमें कि लाख होता है। और जब पेड़ों की टहनियों को काट लिया जाता है तो उनसे खुरच खुरच कर लाख को निकाला जाता है। ओके और लाख को ठीक करके, उसको पिघला करके, फिर उससे अलग अलग तरह की चीजें बनाई जाती हैं, और ये नेचुरल सिक्रीशन से होता है, प्राकृतिक सिक्रीशन होती है इसमें। ओके आर्टिफिशियल नहीं होता है ये, नेचुरल होता है। आई होप आपको पता चला कि लाख क्या है। चूड़ियां सबको पता है, लाख कैसे बनती है, कीड़ों की लार से बनती है, जो छोटे छोटे कीड़े पेड़ों पर होते हैं, जैसे बबूल का पेड़ है, ठीक है, कई तरह के पेड़ होते हैं जिन पर वो कीड़े होते हैं, उनसे लाख बनती है। आज हमने यही पाठ पढ़ना है, लाख की चूड़ियां, किस प्रकार से लाख की चूड़ियां बेचने वाला व्यक्ति अपने व्यवसाय में किस प्रकार से पीछे चला जाता है, उसका क्या कारण है। क्या आपको आजकल ऐसी चूड़ियां देखने को मिलती हैं जो हाथ से बनी हुई हो, या ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो हाथ से बनी हुई हो, अवेलेबल वही हो जो हाथ से बनी हुई है, या कुछ और भी तरह की चीजें मिलती हैं? रेज योर हैंड्स, बताइए। यस प्रीशा, रिशा, ओके आई थिंक सम नेटवर्क इशू। किसी ने लिख के भेजा है मटके, जो कि पॉटर बनाता है, पॉट, ठीक है, जो कुम्हार होते हैं वो बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं उन चीजों को। लेकिन आजकल हमें ज्यादा चीजें वो देखने को मिलती हैं, वो चीजें हमें मिल रही हैं जो कि मशीनों से बनी होती हैं। किसी ने लिखकर भेजा पेंटिंग, आपको पता है आजकल पेंटिंग के लिए भी मशीन्स आ गई हैं। मैंने अभी लेटेस्ट पीछे कुछ दिन पहले सुना 3D पेंटिंग होती है वॉल्स पर, दीवारों पर 3D पेंटिंग होती है किसी मशीन के सहायता से, मशीनों से। आजकल बहुत सारी चीजें हमें मशीनों से मिलने लगी हैं। मशीनों के आने से बहुत ही ज्यादा मात्रा में और कम समय में, कम लागत में चीजें तैयार हो जाती हैं, जिसके दाम भी बहुत ज्यादा होते हैं। लाख की चूड़ियां बनाने की कहानी हम पढ़ते हैं, बनाने वाले की कहानी। अंशिका, उसमें भी मशीनों का प्रयोग होता है। वेदांति, आपने लिखा बुक, इसमें भी मशीनें ही प्रयोग की जाती हैं प्रिंटिंग आदि के लिए। ओके रेज योर हैंड्स, कौन पढ़ेगा चैप्टर? रेज योर हैंड्स, बी फास्ट। ओके प्राची, पढ़िए बेटा। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाना
जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू के मकान। थैंक यू सो मच बेटा। इसमें अभी तक लेखक ने यह बताया कि मैं अपने मामा के गांव जाता था, बचपन में छुट्टियों में मामा के गांव जाता था। वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था बदलू। वो कहता है सारे गांव में बदलू ही मुझे सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि मैं उसे गुलाब की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था जो कि किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वो कहते हैं कि मैं जब अपने मामा के गांव जाता था, ऐसे होता है कि आप लोग गर्मियों की छुट्टियों में या कभी मामी के पास जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, मम्मा का कोई फ्रेंड वहां पर मिल जाते हैं, तो मम्मा कहते हैं ये तुम्हारी मासी है ना। मामा के जो दोस्त होते हैं हम उन्हें मामा कहते हैं, है ना। जब अपने घर पर होते हैं तो चाचा के कोई दोस्त हो तो हम उनको चाचा कह देते हैं, पापा के कोई दोस्त हो या कोई हो तो हम उन्हें ताऊ जी या चाचा जी कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह से लेखक कह रहा है कि मैं जब मामा के गांव जाता था तो वहां में बदलू से मिलता था, गांव में जाने के कारण मुझे उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। क्यों कहता था? क्योंकि सारे गांव के बच्चे उसे बदलू काका ही कहते थे, इसलिए मैं भी उसे बदलू काका ही कहने लगा। राइट हाँ जी एंजल आगे पढ़िए बेटा। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, उसी के नीचे बैठकर थैंक यू बेटा। सहन सहन का मतलब है आंगन, सहन आंगन। नोट करते जाइए बेटा मीनिंग्स। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर था, मकान के सामने बड़ा सा सहन था, सहन मतलब आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। आप फोटो में भी देख सकते हैं एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे बदलू बैठा काम कर रहा है। बगल में भट्टी दहकती, बगल में मतलब पास में, उसके पास ही भट्टी दहकती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतली करके चूड़ी का आकार देता था। लाख को पहले पिघलाता था, उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रखता था, मुलायम करता था, फिर उसे उस बहुत पतला कर लेता था, उसके बाद उसे चूड़ी की शक्ल दे देता था, चूड़ी का आकार दे देता था। पास में चार छह विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती। बेलन नुमा मतलब सिलेंड्रिकल, हमारे घर में बेलन होता है ना, है ना, सिलेंड्रिकल राइट। उसमें क्या है, ऊपर से वो थोड़ा सा पतला होता है, नीचे आके चौड़ा हो जाता है, बेलन नुमा कौन जैसा सिलेंड्रिकल आप उसको कहते हैं, कौन जैसा कह सकते हैं। अगर आपने देखा हो किसी सुनार के पास, सुनार के पास अक्सर वो रहता है, जब आप उनसे चूड़ियां ठीक करवाने के लिए जाते हैं तो उसमें वो डालते हैं और ठक 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 करके उसको ठीक कर देते हैं, उसमें चूड़ी फिट हो जाती है ना, और उसको उसमें फिट करके उसको ठक 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 करते हैं चारों तरफ से, उसे एक आकार मिल जाता है। राइट इज इट क्लियर। उसे कहते हैं मुंगेरी, उसके पास मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह
उसे मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बना था और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। देखो मशीनों से काम कितनी जल्दी हो जाता है ना, लेकिन जब हाथ से वो यही काम कर रहा होगा, हाथ से उसने पहले लाख इकट्ठी की, खरीदी इकट्ठी की जो भी किया, लाख को पिघलाया, पिघलाकर थोड़ा ठंडा और मुलायम किया, फिर पतली पतली उसको बेला, फिर उसको चूड़ी का आकार दिया, फिर मुंगेरियों को चढ़ाकर चूड़ी का आकार ठीक किया, उन्हें चिकना बनाया, फिर उनको ठंडा किया, ठंडे करने के बाद उसके ऊपर रंग किया, रंग करने के बाद उसके ऊपर कुछ डिजाइन भी करता होगा। कितना ज्यादा मेहनत का काम है ना। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया पीछे वाले पेज पे आओ, वहां देखो जहां बदलू बैठा हुआ एक स्टूल सा है, उसे कहते हैं मचिया। ओके, एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहकर बुलाता था। लेखक को क्या कहकर बुलाता था? लल्ला। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक बचिया मंगा देता और घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही 4-6 जोड़े चूड़ियां बनते। 4-6 जोड़े चूड़ियां का क्या मतलब है? 4 जोड़े बनाए तो 8 चूड़ियां, एक जोड़े में 2 होती है, 6 जोड़े बनाए तो 12 चूड़ियां। क्या मशीनें इतने काम करेंगी? 4 चूड़ियां 8 चूड़ियां 12 चूड़ियां बनाएंगी? कितना ज्यादा मेहनत का काम था कि वो दिन में 4-6 जोड़े बनाता। पूरा जोड़ा बना कर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधु की कलाई हो। नववधु मतलब नई नई ब्याही हुई जो लड़की, नई बहू, जैसे उसके कलाई हो, ऐसे उस बेलन को देखता रहता, उन चूड़ियों को निहारता रहता। बदलू मनिहार था। मनिहार मतलब चूड़ियां बनाने वाला। बदलू कौन था? बदलू एक मनिहार, चूड़ियां बनाने वाले को कहते हैं मनिहार। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा, बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? किसी का मैसेज आया अभी? आवाज नहीं आ रही? एम आई ऑडिबल? प्लीज शो योर थंब इफ आई एम ऑडिबल। ओके बेटा, जिसे आवाज नहीं आ रही है प्लीज अपना कनेक्शन एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि काफी बच्चे कह रहे हैं कि आवाज आ रही है और क्लियर है। प्लीज एक बार कनेक्शन चेक कर ले। ओके फाइन, चलिए। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा। पैतृक पेशा होता है जो पिछली पीढ़ियों से चलता आ रहा हो, हेरिडिटरी बिजनेस, जिसमें हमारे बाप दादा पहले भी उसी काम में थे, उसका पैतृक पेशा था। उसके पिताजी भी यही काम करते होंगे, दादाजी भी यही काम करते होंगे, उनके पिताजी भी यही काम करते होंगे, तो उसका पैतृक पेशा। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब लागत। लागत, लागत का मतलब होता है बहुत लागत थी, तो बहुत डिमांड थी उसकी चूड़ियों की, बहुत ही डिमांड थी, लोग पसंद करते थे उसकी चूड़ियां। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते। जिस गांव में वो रहता था उसके अपने गांव के लोग तो चूड़ियां खरीदते ही थे, लेकिन आसपास के गांव की औरतें भी उससे चूड़ियां लेने के लिए आती थी। ऐसा होता है ना कि हमें अगर अपने एरिया में से कोई चीज इतनी अच्छी नहीं मिल रही है, हमें दूसरे एरिया में पता है वहां पर ये चीज अच्छी मिल रही है, तो हम वहां से भी खरीदने जाते हैं।
इसी तरह से दूसरे गांव की औरतें भी उसे चूड़ियां खरीदने आती थी, परंतु वह कभी चूड़ियों को पैसों से ना बेचता था। इसका क्या मतलब होगा? Raise your hands. वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। क्या मतलब होगा इसका? Raise your hands. Yes, अंशिका? वो किसी वस्तु के बदले चूड़ियां देता होगा, बार्टर सिस्टम। यस, किसी वस्तु के बदले चूड़ियां देता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय की प्रणाली, बार्टर सिस्टम, एक चीज के बदले दूसरी चीज देना। ठीक है, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से ना बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, वस्तु विनिमय, एक चीज लेकर दूसरी चीज देना। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते, कभी अनाज दे देते, कभी दालें दे देते, कभी कुछ दे देते और उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था, सीधा साधा व्यक्ति था, उसमें कोई छल कपट नहीं था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। किस तरह की जिद पकड़ता होगा? किसी के घर में कोई शादी है, कोई ब्याह है, तो किस तरह की जिद पकड़ता होगा? क्या लिखा है? वो जिद पकड़ लेता था। कैसी जिद होती होगी? रेज हैंड्स। कैसी जिद होती होगी वो? हाथ खड़ा करो। नो वन? ओके, चलो पढ़ते हैं। हाँ जी जयंत। वह यह जिद करता होगा कि वह चूड़ियों का ऑर्डर उससे ही दें। अच्छा, जो जिद करता होगा कि आपके घर में शादी आने वाली है तो आप मुझसे ही चूड़ियां बनवाना, किसी और से। यस मैम। यस। ओके, एनीबॉडी एल्स? नो। चलो पढ़ते हैं आगे। क्या कहता है? किस चीज की वो, किस बात की वो जिद पकड़ लेता था? जीवन भर चाहे उसे कोई मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व तो होता ही है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग गए थे मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल से वह माना था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घर वाली को सारे वस्त्र मिलते, अपनी पत्नी के लिए वस्त्र लेता, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और जो रुपए मिलते वो अलग। जब किसी शादी ब्याह का जोड़ा बनाया जाता तो उस जोड़े का मूल्य बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता था। उसके लिए उसकी पत्नी के कपड़े मिलते, उसे पगड़ी मिलती, बहुत सारा अनाज मिलता और जो रुपए मिलते वो तो अलग से मिलते। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। उसे कांच की चूड़ियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यदि किसी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, अंदर ही अंदर परेशान होता था, चाहे उसे ना कह पाए कुछ भी पर अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो जाता था और कभी कभी तो दो चार बातें सुना भी देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, मुझसे किससे? लेखक से। घंटों बातें करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में, क्योंकि लेखक शहर में रहता था। मैं उससे कहता कि शहर में अब सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं,
तो वे उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सब कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। उसे ऐसा लगता था कि जो शहर की औरतें, शहर की लड़कियां होती हैं, बहुत ही नाजुक होती हैं, उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं, और शहर में तो सब कुछ होता है, गांव में ऐसा नहीं होता। शहर में तो औरतें अपने पति के साथ घूमती फिरती हैं, उनके हाथ पकड़कर घूमती हैं, और इतनी नाजुक होती हैं कि अगर लाख की चूड़ियां पहने तो उनके हाथों में मोच ना आ जाए। इसका क्या मतलब है कि अगर लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो उनके हाथों में मोच आ जाएगी, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका? हाँ जी अंजन, शायद लाख की चूड़ियां बहुत ज्यादा अच्छी होंगी और उन्हें पहनने से हाथ पे भार भर जाता, भार बढ़ जाता होगा। एक तो व्यंग्य कर रहा है, उन पर टॉन्ट कर रहा है, व्यंग्य कर रहा है। दूसरा कारण ये भी है कि कांच की चूड़ी का वेट इतना नहीं होता जितना लाख की चूड़ी का वेट होता, लाख की चूड़ी कांच की चूड़ी से थोड़ी भारी होती है, इसलिए राइट। चलिए, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहां से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह ये था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था, उसे खिलाता पिलाता था, उसका ध्यान रखता था, उसे बातें भी करता था, और बच्चों को तो ये अच्छा लगता था कोई ना कोई गिफ्ट मिलते रहे तो उसके लिए 1-2 गोलियां बना भी देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। बहुधा मतलब बहुधा, ज्यादातर, अक्सर, वहां चला जाता था। एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापिस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। वो कहते हैं मेरे पिताजी की बदली बहुत दूर हो गई, और काफी समय तक मैं अपने लंबी अवधि मतलब बहुत देर तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया, 8-10 साल बहुत लंबा टाइम होता है, 8-10 साल अपने मामा के यहाँ नहीं गया, 8-10 सालों बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही। ऐसा होता है, हमारे जो बचपन के टॉयज थे, कोई कार थी या कुछ एक छोटा सा खिलौना था, हमें वो बहुत पसंद था, इतना पसंद था कि कभी कभी हम चाहते थे कि हम स्कूल भी इसको अपने साथ ले जाएं, है ना, या इतना ज्यादा पसंद था कि हमारे घर पर मेहमान आते थे, मासी के बच्चे, बुआ के बच्चे, तो हम वो खिलौना नहीं देते थे, कुछ कुछ चीजें हमें बहुत प्यारी होती है ना, या बाजार जाते थे तो एक ही चीज, वही चीज बार बार खरीदने की जिद करते थे। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं तो वो बात हमारे अंदर नहीं रही, शायद बहुत सारे खिलौनों को हम भूल भी चुके हैं, होता है ऐसा, बहुत सारे ऐसे खिलौने होंगे, बहुत सारे ऐसे कपड़े होंगे जो हमें बहुत बचपन में बहुत ज्यादा पसंद थे और अब हम उनको भूल चुके हैं, हमें याद भी नहीं है उनके बारे में, है ना। इसी तरह से लेखक कह रहा है कि अब जब मैं 8-10 सालों के बाद गया तो अब मेरी लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रही, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं बदलू के पास जाऊं और गोलियां लेकर आऊं, ऐसा कुछ नहीं था। अतः गांव में आए हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया, बहुत दिनों तक उसे बदलू का ध्यान आया ही नहीं। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनती,
8-10 सालों में इतना बदलाव आ गया था कि लगभग सभी औरतों ने कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी, विरले ही हाथों में, विरले विरले मतलब कम, बहुत कम, विरले बहुत कम। विरले शब्द जो है हम पंजाबी में भी यूज करते हैं, ये शब्द पंजाबी भाषा का माना जाता है विरले। बहुत ही कम हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। उसे ध्यान क्यों हो आया? बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसे उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी मुझे सहसा बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। खाट मतलब चारपाई, खाट खाट चारपाई। चारपाई पता ना क्या होती है? हमारे घरों में भी होती है चारपाई, खाट। उस पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूं जनार्दन काका। अब यहां पर हमें लेखक का नाम पता चल रहा है, जनार्दन। लेखक का नाम जनार्दन। आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उकेर रहा हो। स्मृति पटल, स्मृति मतलब याद, उसे याद आ रहा था, वो सोच रहा था कि अच्छा कौन जनार्दन, कौन मुझसे गोलियां लेकर जाता था, तो उसे याद कर रहा था। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। अब उसे नाम भी याद आया कि मैं उसे किस नाम से बुलाता था। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। ऐसा क्यों होगा वहां? ऐसा क्यों हुआ होगा कि उसे ना भट्टी भट्टी नजर आई, ना मछिया नजर आई? क्या कारण रहा होगा? बाकी लोग भी हाथ खड़ा करो बेटा, बस एक दो बच्चे हैं जो बस जवाब दे रहे हैं। यस ऋभव, ऐसा क्यों हुआ होगा? रिपीट द क्वेश्चन। उसे ना तो भट्टी नजर आई, ना मछिया नजर आई, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि वो गांव 10 साल बाद लौटा था। क्योंकि गांव 10 साल बाद लौटा था, इसलिए उसे भट्टी और मछलियां नजर नहीं आई। ओके, और कोई कारण हो सकता है रिभव? नो मैम। ओके, यस बबलीन। मैम क्योंकि बहुत से स्त्री कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। क्योंकि, वेरी गुड, क्योंकि बहुत सारी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी और लाख की चूड़ियां बनाने का काम अब खत्म हो गया था। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। प्रचार होना मतलब फैलना। गांव में हर गांव में कांच का प्रचार हो गया, कांच की चूड़ियां फैल गई हैं। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहां संभव।
ये तो ऑब्वियस बात है, हाथ के काम में इतनी सफाई नहीं होगी जितनी मशीन के काम में होगी। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा कौन सी बीमारी होती है, कोई बताएगा? दमा, यस वेदांती? यस वेदांती बताइए। दमा इज अस्थमा, जिसमें सांस की तकलीफ हो जाती है। मुझे लगा उसे दमा हो गया। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी, यानी कि अब वह बूढ़ा हो रहा था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी मतलब सीजनल खांसी। सीजनल भी हमें कोल्ड कॉफ हो जाता है ना, वही वाला। यही महीने दो महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है। व्यथा, व्यथा मतलब दुख। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ा दुख छिपा हुआ। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ओके, वी विल डिस्कस इट टुमारो। इसका मतलब ढूंढ कर रखिएगा। मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, ये हम कल करेंगे। चैप्टर भी हम कल फिनिश करेंगे और हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।